दोस्तों पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पे खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि हिंदुस्तान में वापस टिकटॉक लॉन्च होने वाला है। आइए इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देता हूं कि टिकटॉक वापस कब आ सकता है, किस रास्ते से टिकटॉक वापस आ सकता है, क्या पबजी के बाद टिकटॉक भी उसी तरीके से एंट्री कर सकेगा जो तरीका पबजी ने अपनाया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण महुलियार स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। पबजी वापस से इंडिया में लॉन्च हो चुका है। पबजी की जो पेरेंट कंपनी थी क्राफ्टॉन टेक, उन्होंने पबजी का नाम बदल के बैटल ग्राउंड इंडिया किया और उसको इंडिया में लॉन्च किया विद कंप्लायंस ऑफ I2 रूल्स 2021। तो क्या देश में जितने भी ऐप्स बैन हुए थे वो सब ये तरीका पालन करके हिंदुस्तान में अपने ऐप्स को वापस लॉन्च कर सकते हैं? आइए इसके बारे में चर्चा करें। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है ByteDance। ByteDance एक चाइनीज कंपनी है, 100% चाइनीज। टिकटॉक ऐप पूरे दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। टिकटॉक को जब हिंदुस्तान में बैन किया गया था तब उसके 20 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र थे। टिकटॉक वापस देश में लॉन्च हो सकता है क्योंकि 6 जुलाई को टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance ने इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया अंडर 42 क्लास ऑफ न्यू शेड्यूल ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स, जो कि कहता है ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज हो सकते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, और टिकटॉक टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज ही हमें प्रोवाइड करता था। गौर करने वाली बात यह है टिकटॉक का नाम बदल दिया गया है। पहले वो TIKTOK था, अब वो TICKTOCK हो जाएगा। तो सरकार ने जो ऐप को बैन किया था वो टिकटॉक है और ये नया टिकटॉक है जो कि लॉन्च हो सकता है। दोस्तों ये खबर हमें दी ट्विटर के माध्यम से टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने। ये खबर तो ऑथेंटिक है लेकिन इसके बाद कंपनी क्या फैसले लेती है अभी इस पे गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों नाम बदलना ही एक स्टेप नहीं है, देश में उसको लॉन्च करना और नए IT रूल्स के हिसाब से कॉम्प्लाई करना ये भी ज़रूरी है। नए IT रूल्स में ये कहा गया है कि सरकार को फुली ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जाए और जो भी डेटा सर्वर्स हो वो इंडिया के अंदर ही रखा जाए, वो सारी सर्विसेज जो कि बाहर से आई हुई हैं और इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। तो ByteDance को इंडिया के अंदर उनका सर्वर बनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ ByteDance कंपनी के लिए एक चुनौती ये है, क्राफ्टॉन कंपनी जो कि पबजी लॉन्च कर रही है वो एक साउथ कोरियन कंपनी थी, उसके कुछ लिंकेज थे टेंसेंट के साथ जो कि चाइना में है और वो ऑपरेट करती थी पबजी मोबाइल गेम। लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से वो चाइनीज़ नहीं थी, वो साउथ कोरियन कंपनी थी और सारे चाइनीज़ नाते उन्होंने तोड़ दिए थे, तब जाके इंडिया में बैटल ग्राउंड को लॉन्च किया। पर टिकटॉक ये कैसे करेगा क्योंकि ByteDance 100% चाइनीज़ है और इंडिया और चाइना के बीच बैर तो आप जानते ही हैं। बहरहाल इस ट्रेडमार्क के नए रजिस्ट्रेशन से एक उम्मीद दिखती है कि टिकटॉक वापस इंडिया आ जाएगा, लेकिन क्राफ्टॉन वाला रास्ता नहीं, कोई और रास्ता अपना कर, क्योंकि ये पूरी तरह से चाइनीज़ कंपनी है। बस दोस्तों फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी ही जानकारी है। मुझे कमेंट में बताइए क्या आप चाहते हैं वापस टिकटॉक देश में आए या फिर नहीं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी के लिए चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।